कनेक्ट एफएम दे इवनिंग न्यूज बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मुख खबरां। कोविड 19 नियम तोड़न वाले नू बीसी प्रोविंशियल कोर्ट ने भेजा जेल, $5,000 दा कीता जुर्माना। शक्की जहरीले ड्रग्स कारण 7 दिनां च 6 मौतां। सरी आरसीएमपी ने दित्ती चेतावनी। बीसी च हस्पताल च दाखिल कोविड 19 पीड़ितां दी गिणती ने तोड़े रिकॉर्ड। अज 841 मामले होए रिपोर्ट। क्वेश्चन पीरियड दौरान भखिया साबका डिफेंस मुखी ते लगे इल्जामां दा मसला। कैंडिस बर्गन ते ट्रूडो विचाले तिखी बहस। जनरल जे जे सिंह ने कैप्टन नू बेअदबी मामलियां ते घेरिया, कहा मैं ता सिर्फ चोण हारी, तुसी ता जमीर हार गए। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। बीसी दे एक प्रोविंशियल कोर्ट ने कोविड 19 संबंधी नियमां नू तोड़न वाले व्यक्ति दे एक्शंस दी तुलना स्ट्रीट ते फेंटानल जिहे नशे नू वेचण वाले एक्शंस नाल कीती है। अजिही टिप्पणी तों बाद इस व्यक्ति नू सज़ा सुनाई गई। दोषां दा सामना कर रहे मुहम्मद मोवा सागी नू एक दिन दी जेल, $5,000 दा जुर्माना लगाया गया। इस तों अलावा दोषी नू 18 महीने दी प्रोबेशन दी सज़ा सुनाई गई है। इस व्यक्ति ने कोर्ट ऑर्डर दी पालना ना करन अते सेहत अफसर दे निर्देशां दी पालना करन च नाकाम रहन दे दोष कबूले सन। वैनकूवर पुलिस ने जनवरी महीने विच वैनकूवर डाउनटाउन इलाके च एक सर्च वारंट नू अंजाम दिता सी। इस दौरान सामने आए हालातों नू उन्हां मेकशिफ्ट नाइट क्लब दा नाम दिता सी। इस दौरान घर च मौजूद लोगों नू कुल $17,000 दे जुर्माने लगाए गए सी। जज एलन गॉर्डन ने कहा कि कोई पार्टी नहीं सगों अपराध सी। उन्हां जिही जगह ते पहुंच करन वाले लोगों नू बेवकूफ दस्या। सरी आरसीएमपी ने लोगों नू अपील कीती है कि ड्रग संबंधी किसी भी सेवन दौरान सावधान रहा जाए। उन्होंने अपील उस वेले कीती है जब शहर च जहरीले ड्रग्स कारण मौतां रिपोर्ट हुई हैं। अप्रैल 21 तो 27 अप्रैल विचाले सरी आरसीएमपी नू 6 मौतां दी जानकारी मिली है, जो कि जहरीले ड्रग्स दे सेवन कारण हुईयां मनिया जा रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मौतों का सोर्स इको जगह दीयां ड्रग्स सन जां नहीं। 6 विचों 5 मृतक प्राइवेट रेजिडेंसिस विच मिले सन। पुलिस ने दस्या कि इस साल कम्युनिटी च ओवरडोज संबंधी 70 मौतां हो चुकियां हन। इस च 20 मौतां सिर्फ अप्रैल दे महीने विच ही दर्ज कीतियां गईयां हन। बीसी च कोविड 19 दे 841 मामले रिपोर्ट होए। दुख दी गल सी कि 5 वायरस पीड़ितां दे दम तोड़न बारे भी दस्या गया। हुण बीसी च कोविड 19 दे कुल मामलियां दी गिणती 1,27,899 तक पहुँच गई है। बीसी दी प्रोविंशियल सेहत अफसर डॉक्टर बॉनी हेनरी ते सेहत मंत्री एड्रियन डिक्स वालों अज दे मामलों की जानकारी सांझी की गई है। सूबे च वायरस संबंधी मौतों की गिणती 1,576 हो चुकी है। बीसी च वायरस संबंधी एक्टिव मामले 8,009 तक पहुँच गए है। कुल 515 लोग हस्पताल च दाखिल है ते इस च 171 नू ICU च रख्या गया है। बीसी च कोविड 19 संबंधी 17,05,409 वैक्सीन खुराकां प्रदान हो चुकी हैं। बीसी च हुण वर्कर 3 घंटे की कोविड 19 वैक्सीनेशन दे लई पेड लीव हासिल कर सकते हैं। लेबर मंत्रालय दे एक बयान च इसकी जानकारी दी गई है। दस्या गया कि एम्पलॉयमेंट स्टैंडर्ड्स एक्ट विच जरूरी तब्दीली कर दी गई है। इस नू 19 अप्रैल तो लागू मनिया जाएगा। इस दौरान फुल टाइम अते पार्ट टाइम वर्करां नू पेड लीव की इजाजत होगी। मंत्रालय का कहना है कि इस नाल पुख्ता किया जा सकेगा कि किसी भी कर्मचारी की वैक्सीनेशन हासिल करन दौरान तनखा ना कटी जावे। लेबर मंत्री हैरी बैंस का कहना है कि वैक्सीनेशन आसरे वर्करां नू सुरक्षित रखा जा सकता है अते व्यापारां नू चलदे रखण च मदद मिल सकती है। अज कंजरवेटिव पार्टी की डिप्टी लीडर कैंडिस बर्गन ने क्वेश्चन पीरियड दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नू पुछया कि उन्हां दी सरकार ने आखिर 3 साल तक साबका डिफेंस मुखी ते लगे इल्जामां ते पर्दा क्यों पा के रखिया। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस मामले च सारी जिम्मेवारी उन्हां दी चीफ ऑफ स्टाफ केटी टेलफर्ड ते पा दित्ती जावे। उन्हां कहा कि वह पहली औरत नहीं होगी जो प्रधानमंत्री की नाकामी की जिम्मेवारी चुकेगी। कैंडिस बर्गन ने कहा कि प्रधानमंत्री औरतों की गल तो करते रहते हैं पर असल च लड़कियां दे कवर अप करन दा काम करते हैं। The fact is, the Prime Minister and his government covered up serious allegations of sexual misconduct against the Chief of the Defence Staff, and now he's covering up his cover-up by saying he didn't know. It's just not believable. What's believable is this.
The Prime Minister only pretends to be a feminist when, in fact, he's at the top of the old boys club. Just a wink and a nudge. Don't worry, boys. Your secret is safe with him. Isn't that the truth? Is the jawab dinde aaj Pradhan Mantri Justin Trudeau ne keha ke conservative sarkar dauran General Vance nu ohda saumpya gaya si ate us vele vi unna te kuj ilzam lag rahe san jinna te conservatives ne dhyan nahi ditta si jad ke liberal sarkar ne sahi prakriya di पालना कीती सी। उन्हें कहा कि जब लिबरल सरकार साइंस आसरे पेंडेमिक ते जित दर्ज करने की कोशिश कर रही है अते चंगे बजट नाल लोकां दा सहयोग कर रही है उस वेले कॉन्जरवेटिव्स सिर्फ चिकड़ उछालन दा काम कर रहे हैं। The official opposition needs to stoop to the level of disgusting personal attacks is yet another example of the loss they feel of being even slightly relevant at a time when there is a pandemic where the solutions are based on science, at a time where a government has demonstrated through a budget that we are there for Canadians, all they can do is sling mud. Ontario di Progressive Conservative Sarkar ne paid sick leave plan da elan kita. कोविड 19 संक्रमण विचाले इस प्रोग्राम तहत काम दियां असेंशियल थावां ते वर्करां नूं मदद हासिल होण दी आस कीती जा रही है। मिनिस्टर ऑफ लेबर ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट मोंटेन मैकनॉटन ने इस प्लान बारे ऐलान कीता। इस प्रोग्राम नूं ओंटेरियो कोविड 19 वर्कर इनकम प्रोटेक्शन बेनीफिट का नाम दिता गया। इस दे आसरे हर कर्मचारी कोविड 19 दे कारण 3 दिन तक दी पेड सिक लीव लै सकेगा। इस बीमार महसूस करन जां वैक्सीन हासिल करन दे समय छुट्टी ले जा सकेगी। इस दौरान वर्करां नूं प्रति दिन $200 तक दी तनखा हासिल हो सकेगी। इस प्रोग्राम दा अंत 25 सितंबर नूं होवेगा। ओंटेरियो दी ऑडिटर जनरल बोनी लिस्क दा कहना है कि प्रोविंशियल सरकार अते लॉन्ग टर्म केयर होम सैक्टर कोविड 19 पेंडेमिक लई सही ढंग नाल तैयार नहीं सी। उन्हां कहा कि सूबा सरकार अते लॉन्ग टर्म केयर होम सैक्टर ने सार्स एपीडेमिक तो कोई सबक नहीं सीखा सी। उन्होंने 3700 तो वधेरे नर्सिंग होम रेजिडेंट्स की मौत संबंधी रिपोर्ट च सिस्टमिक कमजोरी का जिक्र है जिसते कई सालों तो सवाल उठ रहे सन पर जिसते कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस रिपोर्ट विच सुधार लई 16 सिफारिशां भी कीतियां गईयां। Despite very specific past observations and recommendations made by our office and others over the last decade on preparing for future SARS-like outbreaks, action taken over the years have been insufficient to ensure that we would be better prepared. Canada vich aj Johnson & Johnson COVID-19 vaccine diyan pehliyan khurakaan pahunch gaiyan. Desh vich is vaccine diyan 3 lakh khurakaan pahunch gaiyan han. Is vaccine naal sambandhit ek Canada ch pehli delivery hai. हुण कैनेडा च पहुंचण वाली यह चौथी वैक्सीन बन गई है। कैनेडा ने इस वैक्सीन दियां 10 मिलियन खुराकां खरीदियां हन अते 28 मिलियन होर खुराकां खरीदण दी ऑप्शन उपलब्ध है। इस तों अलावा मॉडर्ना वैक्सीन दियां भी 6.5 लाख खुराकां अज कैनेडा पहुंच गई हैं। यह शिपमेंट बीते हफ्ते तो डिले हुई सी। भारत के साबका आर्मी चीफ जनरल जे सिंह ने अज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कल दी अपनी टिप्पणी का ठोकवा जवाब दिता। उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट तो 3 ट्वीट करदिया कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहा कि सारा पंजाब जानदा कि तुसी बादलों नाल घ्यो खिचड़ी हो। 2017 दियां चोणां विच बादलों ने साजिश तहत तुहाडी मदद कीती जिसका कर्जा तुसी बैबल कलां गोलीकांड विच कार्रवाई ना करके अदा कर रहे हो। याद रहे कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू विच अपनी ही पार्टी के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ते हमला बोलदिया कहा सी कि जे उन्हां विच हिम्मत है तो वह पटियाले आके चोण लड़ लैण। इस तो पहला जनरल जे सिंह भी लड़े सन ते उन्हां अपनी जमानत जब्त करवा ली सी। तुहाडी जमानत भी जब्त हो जाएगी। जनरल जे सिंह ने कैप्टन नूं कहा मैं मामूली चोण हारिया हाँ पर तुसी तां जमीर हार गए।